ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना, भूगोल में क्या पढ़ना है, भूगोल चैप्टर पढ़ना है। पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर भारत, कितने हमारे राज्य हैं, कौन से राज्य कहाँ है, इनकी राजधानी कहाँ है। उसके बाद चैप्टर में अगला क्या है, महाद्वीप और महासागर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है, 28 राज्य हैं, कितने राज्य हैं, 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8, ठीक है, ठीक। चलिए यहाँ पर भारत का मैप बना है, यहाँ पर दिखाया गया है कौन सी चीज कहाँ है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देहरादून क्या है, राजधानी है उत्तराखंड की ना, यहाँ पर सबको दिखा दिया गया है ना कौन राज कहाँ पे है, ठीक ना। पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक ना, बांग्लादेश, ये सब दिखाया गया, ठीक ना। जब ये सब याद करना है, पड़ोसी देश जब आप एक बार मैप में देख लेंगे तो आपके ध्यान तुरंत आ जाएगा। जैसे अभी आप इसको देख रहे हैं ना, ये मैप आ गया है, अभी ये मैप सबको मिलेगा। इस मैप पे सबको दर्शाना है पड़ोसी देश कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर पूछ लिया जाए केरल कहाँ है, तो आप केरल को दर्शाएंगे, वहां नीचे राजधानी सबको मिलेगा। इस मैप में लिखना है, पेंसिल का प्रयोग करना है, ठीक है, मैपिंग करनी है, एक बार देख के एक बार हम लोग यहाँ समझ ले रहे हैं, एक बार देख इसे मैपिंग करना है, ठीक है। सबको एक एक मिलेगा, सिर्फ पेंसिल का प्रयोग करना है सबको, ठीक ना। इसमें पड़ोसी देश, राज की राजधानी, ठीक ना, सब पता होना चाहिए, ठीक ना। जैसे एक और है, इधर क्या है, उत्तर, क्या उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरा, इधर पश्चिम। जब हम लोग कॉपी में दिशा का फिगर बनाए ऐसे बनेगा, चाहे जब कॉपी की बात करता हूँ, कॉपी या व्हाइट ब्लैक बोर्ड पर, तो ऊपर क्या आएगा, उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम। इसका पश्चिम कौन सा है, ये वाला भाग, पूरा ये वाला भाग, उत्तर ये वाला भाग, दक्षिण ये वाला भाग, ठीक ना। चलिए इतना समझ में आएगा सबको ना, अभी से आपको मैप दिया जाएगा, आपको एक एक आपको भरना है, भर के कल घर से लाना, ठीक ना, कल सब लोग लेके आए, ठीक। चलिए इसमें कुछ समझना था नहीं, सब कुछ लिखा है, सिर्फ प्रैक्टिस करना, ठीक ना। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं महाद्वीप और महासागर। कह दिया जाए पृथ्वी की सतह को, पूरी पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, क्या, दो मुख्य भाग में, पहला महाद्वीप, क्या, पहला महाद्वीप, दूसरा महासागर। इन्हीं दोनों से पूरा जो ये तुमको ग्लोब दिख रहा है, इसमें महाद्वीप है और महाभारत है, पूरा पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है ना, पृथ्वी का प्रतिलोम है, जो हमारी पृथ्वी अंडाकार है, पूरा गोला नहीं है, अंडाकार है। तो इसमें सिर्फ क्या दिखाया गया है, महाद्वीप और महासागर। कौन सा कलर खूब दिख रहा है इसमें, नीला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जहाँ नीला दिख रहा है जल ही जल, ठीक ना। जैसे हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो हमको नीला दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि 70% भाग पर जल है, इसीलिए हमको नीला दिखाई देता है, इसीलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। यहाँ देखिए महाद्वीप महासागर, महाद्वीप किसे कहते हैं, बड़े असली भूभाग को महाद्वीप कहते हैं, बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं, महासागर बड़े जलाशय को महासागर कहते हैं, 29% भाग पर क्या है, महाद्वीप या स्थल, 71% भाग पर महासागर है या जल है। इतना समाप्त हुआ, चलिए यहाँ देखते हैं, ये समझ आ गए ना। चलिए अब पहले बात कर लेते हैं इसकी, महासागर पूरे जल, दिखा ना, हमारे जो मुख्य है, मुख्य 5 महासागर है, कितने, 5। कभी कभी होता क्या है कि टीचर यहाँ पढ़ाता है, बच्चा सोता है, चलो आज पढ़ लेंगे कल याद करेंगे, यही होता है ना, आप लोग सोचते हैं चलो कल याद करेंगे, कि हमको यही पर याद करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है। हमारे मुख्य 5 महासागर है, हम क्षेत्रफल के हिसाब से घटते आएंगे, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो सबसे बड़ा महासागर जो हमारा है प्रशांत महासागर है, कौन, प्रशांत महासागर। दूसरा अटलांटिक महासागर, कितना, अटलांटिक। तीसरा हिंद महासागर,
चौथा अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर, और क्या लास्ट वाला आर्कटिक महासागर। ये हमारे पांच महासागर हैं। फिर से एक बार आप लोग बोलेंगे, हम इशारा कर रहे हैं, क्षेत्रफल हिसाब से बोलना है, ठीक ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारे पांच महासागर हैं, ठीक ना। इतना ये कितने हमारे हैं, दो लोग इधर आ जाओ, पांच महासागर है ये। हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको, दो लोग आ जाओ, एक लोग और आ जाओ, आओ। दो लोग पकड़ो इसे, एक लोग इधर, दो लोग पकड़ो इसे, यहाँ इधर आ जाओ, ऊपर करो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ऊपर करो। क्या दिख रहा है, ये संसार का मैप है, पूरी दुनिया। जैसे क्या संसार है ना, इसमें गोल दिख रहा है, इसमें सीधा दिख रहा है। हम पांच महासागर बताए मुख्य ना, कौन कौन, पहला प्रशांत महासागर, ये देखिए प्रशांत महासागर, इसको दो भाग बांट दिया गया। क्यों, ऊपर वाला उत्तर, उत्तर प्रशांत महासागर, नीचे वाला दक्षिण। ऊपर वाला भाग को क्या कर दिया, उत्तर कर दिया, नीचे वाले को दक्षिण। उसके बाद कौन सा महासागर था, अटलांटिक, दिखा है ना, इसको सहायता के लिए दो भाग बांट दिए, उत्तर और दक्षिण। तीसरा हमारा कौन था, हिंद महासागर, ये दिख रहा है ना। ये महासागर किसके ऊपर है, इंडिया के। ये ऐसा पहला महासागर जो किसी देश के नाम पर पड़ा है, इंडियन, क्या कहते हैं, हिंद महासागर, ठीक ना। उसके बाद कौन सा है, क्या अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर, ये है देखिए दक्षिणी महासागर। और लास्ट वाला क्या है, आर्कटिक महासागर, ये दिख रहा है ना, आर्कटिक महासागर। ये हमारे पांच महासागर है। यहाँ पर क्या है, जल ही जल है, क्या है, जल ही जल है, ठीक ना। सुन रहा है ना, पांचों महासागर हम लोग याद देखिए, ठीक ना, यहाँ सिर्फ जल ही जल है, ठीक ना। चलो अभी देखते हैं, इसको जिसको ले जाना हो, देखना हो, घर पे ले जा सकता है, लाके जमा कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रशांत महासागर, इसे डिटेल पढ़ते हैं, कुछ इसके बारे में जानते हैं। जो हमारा प्रशांत महासागर है, ये 1/3 भाग पर फैला, इतना बड़ा। जो प्रशांत महासागर, जो हमारे पांच मुख्य महासागर है, ये पूरे पे 1/3 भाग पर क्या है, फैला हुआ, इतना बड़ा है, ठीक ना। चलिए सबसे बड़ा है, अब प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थल कहां पर है, ये सबसे इसका गहरा स्थल है, ठीक। चलिए दूसरा कौन सा है, अटलांटिक महासागर, ये अंग्रेजी के यस आकार का है, कौन सा, अंग्रेजी के यस आकार का है। अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर देखो, यस बन रहा है कि नहीं, ऐसे बन रहा है ना, यस बना नहीं है, बने नहीं, ए इस तरह, ये अंग्रेजी के यस आकार का, बने नहीं, यस अंग्रेजी के यस आकार का, ठीक है। चलिए इसे हम अंध महासागर भी कहते हैं, क्या, इसे हम अंध महासागर भी कहते हैं। इसका सबसे गहरा स्थल कौन सा है, प्यूटोरिका गर्त। इस महासागर का सबसे गहरा स्थल क्या है, प्यूटोरिका गर्त, ठीक ना। अब चलते हैं हिंद महासागर, क्या, हिंद महासागर, इसे क्या कहते हैं, हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहते हैं। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर, इसका सबसे गहरा स्थल कौन सा है, सुंदरगढ़। अब देखते हैं अंटार्कटिका या दक्षिण महासागर, ठीक ना, ये सबसे व्यस्त महासागर है, कौन, सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, दक्षिणी महासागर, ठीक ना। इसका सबसे गहरा स्थल कौन सा है, बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल। अब सबसे लास्ट वाला हमारा क्या है, और सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर, यह सबसे छोटा महासागर है। ये
इसे हम छिपा हुआ महासागर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? छिपा हुआ महासागर। क्यों कहते हैं छिपा हुआ महासागर? एक है अंटार्कटिका महासागर है, यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठंडी पड़ती है, ये बर्फ से ढका रहता है। क्या? ये बर्फ से हरदम ढका रहता है। इतना ज्यादा यहाँ पर ठंडी पड़ती है, ये एरिया देखियो बर्फ से क्या रहता है, ये ढका रहता है। सुबह जब दिखाना और तो महासागर ये सब दिखाए, सब दिखा, ये बर्फ से क्या है, ढका हुआ रहता है। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? छिपा हुआ महासागर। कोई पूछ ले छिपा हुआ महासागर क्या कहते हैं, तो आप लोग क्या मुंह ऐसे कैसे किए कि बताओगे? क्या बताओगे? आर्कटिक महासागर। महासागर वाला खेला समाप्त, पानी वाला से क्या खत्म हो, ठीक ना? पानी वाला समाप्त। आप क्या देखते हैं? महाद्वीप। हमारे सात महाद्वीप हैं। कितने? सात महाद्वीप हैं। इन्हीं सातों महाद्वीप में हमारे सारे देश हैं। इतने हमारे देश हैं, इन्हीं सातों देश में रहते हैं। सातों महाद्वीप जितने हमारे देश हैं, सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका ना, चीन, जहां कोरोना आया था पूरे देश को परेशान कर दिए, ठीक ना, जापान, ये सब इन्हीं सातों महाद्वीपों में बसे हुए हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं महाद्वीप के बारे में। पहली बात तो हमको क्षेत्रफल के हिसाब से क्या करना है, याद करना है। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद सबसे छोटका ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़का एशिया। एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद क्या है, अंटार्कटिका, उसके बाद क्या है, यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। इतना चीजें हैं, ठीक ना। इसमें घूमता क्या है? अंटार्कटिका, क्योंकि चार याद आएगा, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी, दक्षिणी, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। समझ आ गया? दो लोग यहाँ आ जाओ फटाफट, फिर से एक बार दो जल्दी आओ दिखा दें। चलो दौड़ के आओ, दौड़ के दो लोग आ जाओ, पकड़ो दिखा रहा हूँ, जल्दी आओ। सात महाद्वीप इसमें देखना है हमको। देखिए यहाँ पर दिख रहा है एशिया, दिख रहा है ना, ये पूरा क्या है, एशिया है। बड़का बड़का दिख रहा है ना, ये क्या है मेरा, एशिया है। दूसरा क्या है, ये देखिए यहाँ अफ्रीका दिख रहा है, क्या, अफ्रीका। तीसरा क्या है, उत्तरी अमेरिका, ये देखो उत्तरी अमेरिका है। क्या है, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद क्या है, अंटार्कटिका, ठीक ना। अंटार्कटिका कहाँ है, ये ढका हुआ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूरोप, क्या हुआ यूरोप। सबसे छोटा कहाँ है इसमें, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर दिखाए, देखिए इसे कहाँ दिखा, ऑस्ट्रेलिया कहीं दिखा बताइए, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। देखा सबसे छोटा क्या है ना, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। देखिए सबसे दिखा सबसे बड़ा ना, एशिया वाला दिखा सबसे बड़ा। चलिए ये हमारे क्या हो गए, सात महाद्वीप, सबको दिखाना, अब याद रहे ना, सबको याद दिखिए ना, ठीक ना। चलिए अब हम थोड़ा बहुत जानते हैं एशिया के बारे में क्या, ठीक ना। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, 60% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। जितने सातों महाद्वीप में सबसे ज्यादा 60% कहाँ निवास करती है, एशिया महाद्वीप में, ठीक है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है क्या है, चीन है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्या है, चीन है। सबसे छोटा देश कौन सा है, महाद्वीप है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या क्या है, यांग्त्सी है। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, माउंट एवरेस्ट है। अभी ये सब चीज आपको हम मैप पे दिखाते हैं जो हम लिखे हैं। उसके बाद अफ्रीका, इसे काला या अंध महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका, अफ्रीका वाले करिया करिया हो रहा है, काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप ना। चला यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, अल्जीरिया। सबसे छोटा सेशेल्स,
यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। सबसे लंबी नदी यहाँ की है, ठीक ना। यहाँ किलिमंजारो क्या है? पर्वत है। कहाँ पर है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और स्वत रेखा। उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा देश कनाडा। यहाँ जो नदी बहती है मिसिसिपी, मिसौरी नदी बहती है। दक्षिणी अमेरिका सबसे बड़ा द्वीप कौन? सबसे बड़ा देश ब्राजील। फॉकलैंड सबसे छोटा देश। कौन सी नदी बहती है यहाँ? अमेजन। उधर तो अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो आपको कहाँ बताना है? दक्षिणी अमेरिका। अब देखते हैं यूरोप। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। सबसे छोटा देश क्या है? वेटिकन सिटी। यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? क्या वांगा नदी। पर्वत कौन सा यहाँ? माउंट एल्ब्रुस, ठीक ना। सबसे छोटा बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं क्योंकि इसकी अधिकांश भाग पर बारिश नहीं होती है, ठीक ना। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। छोटा देश कौन सा है? नेहरू। और मरे नदी यहाँ पर बहती है। एक हमारा बचा है अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पर कोई देश नहीं बसा। अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसा है यहाँ पर कोई देश नहीं बसा है क्योंकि यहाँ पर क्यों नहीं बसे हैं? यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है कि यहाँ का टेम्परेचर माइनस डिग्री पानी देख लो बर्फ बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोई भी देश नहीं बसे है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्या? श्वेत महाद्वीप कहते हैं। ये जो महाद्वीप है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप, ये विज्ञान को समर्पित है। किसको? विज्ञान को। क्यों? क्योंकि जो भी प्रयोगशाला है यहाँ पर बनाई जाती है। क्या? शोध केंद्र। कहाँ पर? शोध केंद्र। ये महाद्वीप किसे समर्पित है? विज्ञान को समर्पित है ये जो हमारा देश, ठीक ना। ये हमारे थे, हमने आज भारत देखा, सारे राज को देखा और हमने देखा पृथ्वी के जो हमारी पूरी पृथ्वी है इसको मैंने दो भाग में बांट दिया, एक महासागर बांट दिया, एक महाद्वीप बांट दिया, पूरा मामला हो गया सत्रह, ठीक ना। अभी मैंने बताया यहाँ पर देखते हैं एशिया कौन सा महाद्वीप? एशिया। एशिया यहाँ पर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना एशिया। सबसे बड़ा देश कौन सा है आप लोगों को? हाँ, सबसे बड़ा देश कौन सा यहाँ पर है? चीन। चीन कौन सा है? चीन। और क्या बताया मैं? देखिए एशिया महाद्वीप में हमारा भाग कहाँ पे है? ये दिखा ना, कहाँ पर है? एशिया में, ठीक ना। पाकिस्तान भी यहीं पर है, ये अधिकार बांटे। अफगानिस्तान ये दिखाता है, म्यांमार दिखाता है, ठीक है, नेपाल दिखाता है, बांग्लादेश और भूटान, ये सब कहाँ पे है? सब एशिया महाद्वीप पे है सबके सब, ठीक ना। उसके बाद कह रहे थे अफ्रीका, अल्जीरिया बोले थे ना, क्या बात है अल्जीरिया, ठीक ना। सुडान यहीं पर है, सबको दिया है, जाम्बिया सब कुछ दे दिया गया, ठीक ना। तीसरा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। सबसे बड़ा देश कौन सा है यहाँ उत्तरी अमेरिका का? बताओ सबसे बड़ा देश कौन सा उत्तरी अमेरिका का? कनाडा। या देखा बड़का बड़का लिखा कनाडा, कौन सा? बड़का बड़का। दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ा क्या है? ब्राजील। देखा बड़का बड़का लिखा था ना, ब्राजील। उसके बाद कौन सा है? हाँ यूरोप। यूरोप कहाँ भाई? ये है देखा यूरोप। या देखा यार यूरोप सबसे बड़ा देश कौन सा यूरोप का? सबसे बड़ा देश कौन सा यूरोप का भाई? रूस। क्या बताए थे? रूस, ठीक ना। ये दिख रहा सबसे बड़ा देश है देखो रूस। देखिए रूस का ज्यादातर भाग कहाँ पे आ रहा है? एशिया में। लेकिन रूस की राजधानी कहाँ टच करती है? यूरोप में। इसलिए से किस महाद्वीप पे रखा गया है? यूरोप महाद्वीप में रखा है। लास्ट वाला क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सबसे छोटा? यहाँ का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे सातों क्या थे? महाद्वीप, ठीक ना, ठीक है। अब इसमें आपको मैप दिया जा रहा है, सबको पेंसिल का प्रयोग करके मैपिंग पूरी करनी है, ठीक है।